hello let's read the question so the question says which statement is not correct option a a sigma bond is weaker than a pi bond option b a sigma bond is stronger than a pi bond option c a double bond is stronger than a sigma single bond and option d a double bond is shorter than a single bond so the key concept key concept is the bond strength ठीक है देखो अगर हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की so, देखो हमारे पास क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक हमारे पास क्या है पाई बॉन्ड है सो so, हमेशा सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है पाई बॉन्ड से ज्यादा होती है क्यों क्योंकि ये बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से और हमारा जो पाई बॉन्ड होता है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग कह सकते हैं या फिर हम लेटरल ओवरलैपिंग कह सकते हैं उससे बनता है ठीक है सो देखो पहला अगर स्टेटमेंट देखते हैं ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन ए पाई बॉन्ड सो तो ये क्या है ये हमारा क्या है रॉन्ग है ठीक है ठीक है ये फॉल्स है एंड सेकंड चेक करते हैं ए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉगर देन अ पाई बॉन्ड तो ये क्या हमारा सही है सो क्वेश्चन पूछा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है अब हम बात करते हैं बॉन्ड की ठीक है सो देखो अगर मैं ले लेती हूं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ठीक है एंड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ठीक है so, सो देखो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है हुए, एक मुझे सिग्मा बॉन्ड मिलता है और एक पाई बॉन्ड मिलता है और यहाँ पे क्या है बॉन्ड ऑर्डर सो मुझे यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मिलता है सो so, बात करते हैं अगर हम डबल uh, बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की सो डबल बॉन्ड ऑब्वियसली क्या होगा ज्यादा क्या होगा स्ट्रेंथ होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सिंगल बॉन्ड से ठीक है सो बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतना ज्यादा सो so, अगर हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं ठीक है ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन ए सिंगल बॉन्ड तो ये बिल्कुल सही बात है ठीक है ए डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन ए सिंगल बॉन्ड सो ये भी देख लेते हैं हम ठीक है हम बात करते हैं लेंथ की ठीक है बात कर रहे हैं अगर हम बॉन्ड लेंथ की सो so, लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के ठीक है सो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड ठीक है यहाँ पे ले लेते हैं हम डबल बॉन्ड और यहाँ पे ले लेते हैं हम सिंगल बॉन्ड ठीक है देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा ट्रिपल बॉन्ड वाले का तो सबसे कम बॉन्ड bon लेंथ किसकी हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड वाले की ठीक है अब देखो उससे कम बॉन्ड bon ऑर्डर किसका होगा बॉन्ड वाले का तो उससे कम लेंथ किसकी हो जाएगी डबल बॉन्ड वाले की और सबसे कम बॉन्ड bon ऑर्डर किसका होगा सिंगल बॉन्ड वाले का ठीक है तो सबसे ज्यादा लेंथ किसकी हो जाएगी सिंगल बॉन्ड वाले की ये चीज क्लियर है सो The correct option is A. Hope you understood the question. Best of luck.